हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट नेहा भारद्वाज आपको फिर से लेके आई हूँ न्यू लोकेशन पे। जो लोकेशन रहेगी मोहाली 123 सेक्टर की रहने वाली है। एयरपोर्ट रोड से जो है 700 मीटर की दूरी पे आपकी लोकेशन रहेगी। मैं आज आपको 3BHK के होम टूर की तरफ लेके आई हूँ। ये 3BHK का आपका जो है कोठी रहने वाली है। एलिवेशन चेक कर लीजिए, कुछ इस तरह का आपका एलिवेशन रहेगा। प्रॉपर गेटर सोसाइटी रहेगी। आपको जो है विला में अंदर ले जाने से पहले बता देती हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई नई वीडियो देख सकते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये बाहरी जो है आपका पार्किंग स्पेस आ जाता है, यहाँ बाहर आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। ये आपको यहाँ पे गेट दिया जा रहा है, काफी बड़ा आपका गेट रहने वाला है। तो आइए, ये यहाँ पे जो है आपके घर में अगर जैसे आप प्लांट लगाना चाहते हो या गमले होते हैं ना, तो वो यहाँ पे लगा सकते हो कि आपके घर की एक अलग सी लुक आ जाती है। यहाँ पे अगर आपके पास एक्टिवा है तो आप एक्टिवा घर के अंदर पार्क कर सकते हो। तो आइए, जब आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे आपको डोर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस तरह का आपका डोर रहेगा वुडन की फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पे देखिए वुडन के टच के साथ आपको टाइल्स दी जा रही है, काफी अच्छी टाइल्स लग रही है। तो आइए, जब आप एंटर करते हो तो आपका जो है यहाँ पे डाइनिंग और ड्राइंग एरिया का स्पेस आ जाता है। तो ये आपका वॉलपेपर आ जाता है, ये डाउन सीलिंग आ जाती है विद कंसील लाइट के साथ। तो आइए, यहाँ पे आपका ओपन किचन रहेगा, ये आपका मॉड्यूलर किचन आ जाता है। ये आपको डाउन सीलिंग दी जा रही है, जो आपकी डाउन सीलिंग रहेगी यहाँ पे देख लीजिए कुछ अलग सा यहाँ पे डिजाइन दिया गया है, काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपको दो सिंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी जा रही है। ये बीच में स्पेस आ जाता है, आपका चिमनी का स्पेस आ जाता है। और ये आपके कैबिनेट्स रहेंगे, इस तरह के कैबिनेट्स रहेंगे। और आपको यहाँ पे फिटिंग दी जा रही है कि आप जैसे गैस लगेगा तो आपको तोड़ फोड़ ना करनी पड़े, तो ऑलरेडी पहले से फिटिंग दी जा रही है। और ये आपके ड्रॉर्स रहेंगे, सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको ड्रॉर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपका जो किचन रहेगा एल शेप में दिया जा रहा है। तो अब चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आइए, ये आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। इसका जो साइज रहेगा आपका 10x12 में रहेगा। ये आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है और ये आ जाता है LED पैनल का स्पेस, इस तरह का LED पैनल का स्पेस आ जाता है। और ये आपके कबर्ड्स रहेंगे, ये आपके कबर्ड्स रहने वाले हैं। तो अब तक इसमें वर्क किया गया है कि काफी ज्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। ये वॉल पेपर आ जाता है आपका, इस तरह का वॉल पेपर आएगा। इसके साथ ही अटैच आपको जो है वॉशरूम दिया जा रहा है। ये आपका वॉशरूम रहेगा, इसमें आपको सारी फिटिंग लगा के दी जाएगी। और यहाँ पे टाइल्स का देखिए टॉप तक वर्क अच्छे से वर्क किया गया है कि आपके वॉशरूम में सीलिंग की कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपका रहेगा वॉशिंग एरिया, जिस तरह का ये आपका वॉशिंग एरिया रहने वाला है। जो आपकी ये पूरी कोठी है, ये जो है 98 गज में पूरी कोठी बन के तैयार हुई है। तो आइए चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। ये रहने वाला है आपका सेकेंड बेडरूम। ये आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है विद कंसील लाइट के साथ, ये वॉलपेपर आ जाता है आपका। और ये आ जाते हैं आपके कबर्ड्स, इस तरह के आपके कबर्ड्स रहने वाले हैं। ये यहाँ पे LED पैनल का स्पेस आ जाता है। अगर यहाँ पे आप स्टडी टेबल लगाना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। ये आपको विंडो प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ ये रहेगा आपका वॉशरूम, इसमें थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है और इसमें भी आपको पूरी फिटिंग लगा के दी जाएगी। तो कुछ इस तरह का वॉशरूम रहने वाला है। तो ग्राउंड फ्लोर में जो है आपके डाइनिंग ड्राइंग एरिया रहेगा, किचन रहेगा और दो रूम दिए जा रहे हैं। तो अब चलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ, वहां पे जो है आपका डाइनिंग ड्राइंग एरिया रहेगा, किचन रहेगा और एक वन रूम रहेगा। तो गाइस चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की जो एंट्री रहेगी वो आपकी बाहर से ही एंट्री रहेगी। इससे ये चीज होगा कि आपकी जो है प्राइवेसी मेंटेन रहेगी सबसे बड़ी बात, और आप जो है फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट कर सकते हो, आपके घर में इनकम सोर्स आता रहेगा। तो ये खड़े हो गए हम बालकनी में। तो ये है बाहर का व्यू और यहाँ पे आपको बालकनी दी जा रही है। सबसे पहले आप टाइल्स देख लीजिए, जो इसमें यहाँ पे टाइल्स दी जा रही है वुडन की फिनिशिंग के साथ, आपको टाइल्स दी जा रही है। तो आइए मेरे साथ, तो एंटर करते हैं फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते ही आपको जो है यहाँ पे डोर दिया जाएगा, वुडन के टच के साथ डोर दिया जा रहा है। तो आइए, ये रहेगी इसके साथ आपकी किचन। किचन में जो है आपको दो सिंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी जा रही है। ये आपके कैबिनेट्स रहने वाले हैं, कुछ इस तरह के कैबिनेट्स रहेंगे। ये आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ ड्रॉज दिए जा रहे हैं। तो अब चलते हैं डाइनिंग और ड्राइंग एरिया की तरफ। ये रहेगा आपका डाइनिंग और ड्राइंग एरिया।
ये आपका वॉल डिज़ाइन आ जाता है। यहाँ पे आप 6 सीटर आराम से लगा सकते हो, और यहाँ पे जो है आप 4 सीटर डाइनिंग आराम से लगा सकते हो और डिनर इंजॉय कर सकते हो। डाउन सीलिंग आ जाती है, ये आपकी डाउन सीलिंग आएगी। अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। ये रहेगा आपका थर्ड बेडरूम, ये आपकी डाउन सीलिंग आ जाती है। डिज़ाइन के साथ डाउन सीलिंग भी जा रही है। ये वॉलपेपर आ जाता है, ब्लैक थीम के साथ वॉलपेपर आ जाता है आपका। एलईडी पैनल का स्पेस, जिस तरह का एलईडी पैनल का स्पेस आ रहा है, यहाँ डेकोरेट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। और ये आपके कबर्ड्स रहेंगे, स्लाइडिंग डोर के साथ कबर्ड्स दिए जा रहे हैं। अटैच आपका वॉशरूम आ जाता है, ये आपका वॉशरूम आएगा। इसमें भी आपको सारी फिटिंग लगा के दी जाएगी, और टाइल का टॉप तक वर्क किया गया है कि आपके जो वॉशरूम में स्लैब ना आए, सीलिंग ना पड़े। तो ये रहेगा आपका वॉशिंग एरिया। अब चलते हैं हम टेरेस की तरफ, आइए मेरे साथ। तो गाइज, ये रहने वाला है आपका ओपन टेरेस, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला है। तो कुछ इस तरह का टेरेस रहेगा, आप देख लीजिए, पीछे का व्यू भी इंजॉय कर सकते हो, बालकनी से आगे का व्यू। तो दोनों साइड से जो है ओपन आपका ये फ्लैट रहेगा। ये तो हमारा 3 BHK का होम टूर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो कोई भी इंक्वायरी हो। और फिर से इसका प्राइस बता देती हूँ, जो प्राइस रहने वाला है वो 72 लाख इसका प्राइस रहने वाला है। तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, अपना विला अपने नाम कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।